Class 4. Today we learn chapter number 2, computer memory and storage device part 2. अपन ने first part में क्या देखा कि computer memory में क्या है primary memory and secondary memory. Primary memory के कितने parts है? Two parts. ROM and RAM. ROM means read only memory और RAM means random access memory. ROM ये क्या है? ये permanent storage device है, permanent memory है और RAM ये क्या है? Temporary memory है. Okay? So today we learn part 2, computer memory and storage device. Secondary memory. The purpose of the secondary memory is store data permanently. Secondary memory में हम data permanently store रख सकते हैं. A lots of space is available in secondary memory to store data. हमें सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारा स्पेस अवेलेबल होता है डेटा स्टोर करने के लिए. समटाइम्स इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी. इसे ही हम बाहर की मेमोरी मतलब एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर ऑफ मेनी टाइप्स लाइक सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव. इसके बहुत सारे टाइप्स है जैसे सीडी, डीवीडी. आपको पता है सीडी, डीवीडी क्या होता है? The data stored on this device can only be accessed by primary memory of a computer. इसमें हम primary memory through secondary memory में हम data access कर सकते हैं. उसके through हम data store कर सकते हैं. It is the function of secondary memory. इसे ही हम secondary memory बोलते हैं. Measuring unit of data. मेजरिंग मतलब हम जिसे मोचते हैं, हम गिनते हैं, जिसे काउंट करते हैं हम जिसे. मीन्स आप सब्जी मंडी जाते हो, आप सब्जियों को कैसे काउंट करते हो? ग्राम या किलोग्राम में आप उसे काउंट करते हो. वैसे ही यहाँ पे डेटा को यूनिट में काउंट किया जाता है. जैसे 8 bit = 1 byte. जो 1 bit का 1 byte होता है उसे हम 1 byte बोलते हैं. वैसे ही 1024 bytes इक्वल टू 1 KB में किलोबाइट. जो 10 1024 byte का 1 KB होता है, वैसे ही 1024 KB इक्वल टू 1 MB मतलब MB. आपने आपके एल्डर्स ब्रदर या सिस्टर से सुना होगा यार आज तो मेरा 100 MB ही है, आज तो मेरा 1 GB है. तो वो सब काइंड में काउंट होता है, तो बाइट में काउंट होता है. 1024 KB इक्वल टू 1 MB मीन्स मेगाबाइट. 1024 MB इक्वल टू 1 GB. GB मीन्स गीगाबाइट. 1024 GB इक्वल टू 1 TB मीन्स टेराबाइट. ओके, एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइसेस. फर्स्ट, लार्ज स्टोरेज स्पेस. यू कैन स्टोर लॉट्स ऑफ डेटा ऑन द डेटा स्टोरेज डिवाइस. हम लार्ज स्टोरेज डिवाइस में बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं. इजी ट्रांसफर ऑफ द डेटा. इट इज वेरी इजी टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर यूजिंग अ डेटा स्टोरेज डिवाइस. हम स्टोरेज डिवाइस के थ्रू बहुत इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं. Easy to change data. The data can be changed and modified with easy using a storage device. हम बहुत easily वो data change भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं हम इसे. Next, types of secondary storage devices. Hard disk. The most important secondary storage device for a computer is the hard disk. Hard disk ये बहुत important storage device है secondary memory. उसे हम secondary memory बोलेंगे. वो बहुत important computer के लिए. The hard disk can be found in the CPU box which contains software used by the computer system and the operating system. Hard disk ये CPU box में होता है और वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं. ये देखिए यहाँ पर, ये है इंटरनल हार्ड डिस्क. ये काइंड होती है
The storage capacity of a hard disk usually range between 250 GB to 8 TB, but can go even higher if needed. Hard disk की capacity है 250 GB to 8 TB हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हमें चाहिए तो हम वो भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं. The hard disk can also be attached externally to a computer so that more data can be stored in addition to what is stored on the computer hard disk, or to backup the data is saved on the computer hard disk. The hard disk that is externally attached are known as external hard disk. हम hard disk में बाहर से data store कर सकते हैं, हम उसमें add भी कर सकते हैं. अगर हमारी hard disk external हो तो हम उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं और हम उसका बैकअप भी सेव हमारे हार्ड डिस्क में रख सकते हैं. उसे हम एक्सटर्नली हार्ड डिस्क कहते हैं. कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क इज कॉमनली नोन एज सीडी इज अ पॉपुलर एंड चीप स्टोरेज डिवाइस. सीडी मींस हार्ड कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी. ये बहुत कॉमनली यूज हम करते हैं और ये बहुत कम कीमत में आपको मिल सकती है. बहुत छोटी और बहुत कम स्टोरेज डिवाइस है. इट हैज डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 700 MB. इसकी रेंज, इसकी कैपेसिटी 700 से ज्यादा हो सकती है. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सीडी. सीडी रॉम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी. सीडी रॉम. The disk can only be used to view data. इसमें हम हमारा डाटा देख सकते हैं. डाटा स्टोर कैन बी चेंज, डिलीट और एडेड टू इट. हम इसमें डाटा चेंज नहीं कर सकते और हम इसमें बाद में डाटा एड भी नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते. दिस सीडी यूजली कम रीलोडेड विद मूवी और म्यूजिक और सम अदर स्पेसिफिक डाटा. इसमें जब सीडी में जब हम कोई डाटा ऐड करते हैं तो वो हम बाद में डिलीट नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो इसमें कैसे टाइप के डाटा हो सकते हैं, जैसे म्यूजिक हो या फिर कोई पोएम हो या फिर कोई वीडियो हो या फिर कोई मूवीज हो, वो डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं. CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. एनी डाटा कैन बी स्टोर ऑन दिस टाइप ऑफ सीडी. हम इसमें कोई भी टाइप का डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. बट वंस कैन डाटा इज रिटर्न ऑन दिस टाइप ऑफ सीडी, इट कांट बी डिलीटेड. हेंस इट इज सीडी ओनली कैन ओनली बी रिकॉर्ड वंस. अगर आप इसमें एक बार कोई डाटा टाइप कर दो, इसमें कोई डाटा आप एक बार डाल दो, उसको आप बाद में डिलीट नहीं कर सकते. एक बार जो आपने इसमें डाटा रिकॉर्ड कर लिया, एक बार इसमें जो डाटा आपने सेव कर लिया, स्टोर कर लिया, उसे आप बाद में डिलीट नहीं कर सकते. इसीलिए उसे रिकॉर्डेबल सीडी कहते हैं. CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल. दिस टाइप ऑफ सीडी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एज डाटा कैन बी डिलीटेड एंड न्यू डाटा कैन बी स्टोर. हम इसमें डाटा डिलीट भी कर सकते हैं, हम इसमें डाटा ऐड भी कर सकते हैं, हम इसे बार बार यूज भी कर सकते हैं. दिस सीडी कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं. अ सीडी कैन ओनली फंक्शन इन अ कंप्यूटर. इट इज कंटेन अ वर्किंग सीडी रॉम. सीडी रॉम में आपने क्या देखा कि उसमें हम सिर्फ डाटा देख सकते हैं, उसमें हम डाटा डाल नहीं सकते, उसमें हम डाटा डिलीट नहीं कर सकते. लेकिन इसमें हम डाटा रीराइट, मतलब हम इसमें डाटा राइट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं. तो इसमें हम डाटा, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं. डिजिटल वर्साटाइल डिस्क मीन्स DVD. डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इज कॉमनली नोन एज DVD. इसका फुल फॉर्म क्या है DVD का? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, जिसे हम DVD कहते हैं. इट्स लुक सिमिलर टू अ सीडी इन अपीयरेंस. ये बिल्कुल सीडी की तरह दिखता है. बट द वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी ऑफ अ DVD इज मच सुपेरियर टू
टू दैट ऑफ अ सीडी. सीडी से कई गुना ज्यादा अच्छी क्वालिटी हमें डीवीडी में मिलती है. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डीवीडी इज ऑल्सो मच मोर देन अ सीडी. सीडी से कई गुना ज्यादा डीवीडी में स्टोरेज कैपेसिटी कई गुना ज्यादा होती है. इट कैन सेव अप टू 4.7 जीबी डाटा. इसमें हम 4.7 जीबी डाटा स्टोर कर सकते हैं. डीवीडीज आर ऑल्सो मच मोर ड्यूरेबल देन अ सीडी. सीडी से ये कई गुना ज्यादा टिकाऊ है, कई गुना ज्यादा टिकाऊ है. देयर आर टू लेयर्स डीवीडी इन विच डबल अमाउंट ऑफ डेटा मेंशन अबाउट कैन बी स्टोर्ड. डीवीडी ये डबल लेयर है जिसमें हम ऊपर दिए गए डाटा को डबल लेयर में डबल मात्रा में स्टोर कर सकते हैं. ब्लू रे डिस्क द मोस्ट सुपीरियर एंड द न्यूएस्ट टाइप ऑफ स्टोरेज डिस्क इज द ब्लू रे डिस्क. ब्लू रे डिस्क ये न्यू टाइप का स्टोरेज डिवाइस है. इट कैन स्टोर अप टू 25 जीबी ऑफ डेटा. इसमें हम 25 जीबी डेटा तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं. वन नीड्स अ ब्लू रे प्लेयर इन ऑर्डर टू प्ले अ ब्लू रे डिस्क. अगर हमें ब्लू रे डिस्क प्ले करना है तो हमारे पास ब्लू रे डिस्क प्लेयर होना चाहिए. यूएसबी ड्राइव द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट पोर्टेबल ऑफ ऑल द स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल इज द यूएसबी ड्राइव. ये हमें बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है. यूएसबी ड्राइव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. यूएसबी ड्राइव इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फ्लैश ड्राइव. इसे हम फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं. डिफरेंट वराइटीज ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम 4 GB टू 128 GB आर अवेलेबल इन अ यूएसबी ड्राइव. हमें 4 GB से लेके 128 GB तक अलग अलग टाइप के स्टोरेज डिवाइस मिल सकते हैं. पेन ड्राइव आप यहाँ पे देख रहे हैं. पेन ड्राइव आप सबके घर में पेन ड्राइव होगा, आपने देखा होगा 4 GB, 8 GB, 16 GB. वैसे ही हमें 128 GB तक का पेन ड्राइव मीन्स यूएसबी ड्राइव अवेलेबल हो सकता है. ऑल वन नीड्स टू डू इज इंसर्ट इट इन टू एनी ऑफ द यूएसबी पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर एंड एक्सेस एनी डाटा ऑन इट. हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भी पेन ड्राइव के थ्रू डाटा इंसर्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं. द कॉन्टेंट ऑन अ यूएसबी ड्राइव कैन बी मॉडिफाइड बाय कैरी ऑन अ पॉकेट. पॉकेट इट इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज अ पेन ड्राइव और थंब ड्राइव. इस पेन ड्राइव को हम कॉमनली पॉकेट में या फिर पर्स में भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसे पेन ड्राइव कहा जाता है. थैंक यू. हियर अवर चैप्टर इज कम्प्लीट. एक्टिविटी पार्टी नेक्स्ट वीक.